अस्सलाम वालेकुम YouTube फैमिली, सब कैसे हैं? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज जी मेरे पास सिर्फ आधा घंटा है और मुकाबला बहुत सख्त है, और आधे घंटे मैंने तैयार होना है। और सबसे पहले मैं अपनी आईब्रोज बना रही हूँ हल्की हल्की। आज भी बहुत लाइट मेकअप होगा, बेस बहुत लाइट होगी। चलो जी, गाड़ी को हॉर्न आ गया ना। हम फटाफट अपनी बनाते हैं आईब्रोज। सेकेंड स्टेप है, हम लोगों ने कंसीलर अप्लाई कर देना है ताकि हम लोगों ने कंसीलर अप्लाई किया और फटाफट इसको ब्लेंड कर देंगे। मैं सिर्फ अभी आई मेकअप करूंगी, मुंह को तो सेम ही है, बेस लगा लो, कॉन्टोर कर लो, आई मेकअप करके ऑफ कैमरा फिर सारी बेस चीज अपनी अप्लाई कर लूंगी फेस की। बहुत लाइट सी बेस अप्लाई करूंगी अंदर ना लोशन ऐड करके। उसके बाद जी आंख को सेट करने के लिए स्काईफॉल में से जो व्हाइट कलर है ना, इस ब्रश पे लेके आंख को हम सेट करेंगे। ऊपर से भी और नीचे से भी। ये इससे सेट करने का मकसद ये होगा कि जब हम हल्का सा स्मोकी लुक देंगे ना, अगर हम सेट नहीं करेंगे तो ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी। लाइट मेकअप में तो सेट करने की जरूरत नहीं है, जब थोड़ा सा हैवी करना हो स्मोकी स्मोकी तो ब्लेंडिंग की जरूरत होती है, इसलिए पाउडर के साथ सेट कर लेना है लिक्विड कंसीलर को, क्योंकि हमने लिक्विड कंसीलर लगाया था ना, उसके ऊपर हमने पाउडर के साथ सेटिंग लाजमी करनी है। ये काम हो गया। अब हम क्या करेंगे जी, ये जो स्काईफॉल में से है कॉफी कलर, इसको लेंगे स्मॉल ब्रश पे और इसको क्रीज के अंदर फिल करेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का करके, एकदम ठा ना लगे। तीन चार दफा लेके हम फिल कर लेंगे। ये देखिए हम लोगों ने ये क्रीज के अंदर फिल कर लिया। थोड़ा सा और लेंगे, ये हो गया। अब हम लेंगे पॉइजन कलर, पर्पल सा, और ब्लैक ये ब्राउन के ऊपर ही हल्का सा लगा देंगे। ये देखिए पर्पल, ये भी क्रीज के अंदर ही ऑलमोस्ट जाएगा, थोड़ा सा बाहर। अब हम लेंगे ब्लेंडिंग ब्रश। जी बेटा आ जाओ, जोर से दरवाजा। हाँ जी, अब पर्पल और ब्राउन को आपस में हम करेंगे ब्लेंड। और ब्लेंड करते करते थोड़ा सा ऊपर लेके जाएंगे, हमें पिगमेंट नहीं यहाँ पे चाहिए, हमें सिर्फ शेडो चाहिए ऊपर। बस ये देखिए, और इधर से थोड़ा स्मोक आउट कर देंगे, दैट्स इट। अब दूसरी आंख का मैं फटाफट करती हूँ। ये जी दूसरी आंख पे भी कर लिया है। अब ब्राउन लगाने का मकसद ये था कि एकदम पर्पल ठा करके ना लगे। ये देखिए हल्का सा रिफ्लेक्शन सर पर्पल का है ब्राउन के अंदर से, ठीक है। ये दोनों आंखों पे हो गया, और ऊपर हमने पिगमेंट नहीं लगाना, बस इसी खाली ब्रश को ना, जो खाली ब्रश है इसके ऊपर से हमने ये कर देना है। अगर ऊपर इधर पिगमेंट लग जाता है ना तो फिर वो बड़ी अजीब सी लुक आती है, बहुत हैवी हैवी मेकअप लगता है। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट टिप है, जब हम ये सोच के मेकअप करते हैं ना कि हम लोगों ने बहुत लाइट मेकअप करना है, तो बिल्कुल सही मेकअप होता है। जब ये सोच के मेकअप करते हैं ना हम लोगों ने आज बहुत हैवी मेकअप करना है, तो ओवर और एक्स्ट्रा हो जाता है। मेरे साथ तो ऐसे होता है, तो आप लोग भी बताइएगा आप लोग के साथ ऐसा होता है। मैंने सोचा मैंने बहुत लाइट मेकअप करना है, तो लाइट मेकअप को सोचूंगी ना फिर सही होता है मेकअप, प्रॉपर हो जाता है। हैवी का सोचो तो बहुत ही एक्स्ट्रा ओवर ही लग जाता है। अब हम लेंगे स्काईफॉल पैलेट से यही वाला कॉफी कलर फिंगर के ऊपर, और यहाँ पे बस अप्लाई कर देंगे, ठीक है। और लेते हैं, बिल्कुल लाइट अप्लाई करेंगे क्योंकि आंख छोटी है, लाइट कलर से बड़ी लगेगी। डार्क कलर अगर फुल आई को कर दूंगी ना थोड़ी सी छोटी लगना शुरू हो जाएगी। अब मैं ले रही हूँ ये ब्यूटी शेड बाउंटी पैलेट से इस ब्रश के ऊपर, और लाइन के साथ साथ से स्मोक आउट करूंगी, क्योंकि कल की परसों की लगी हुई है लैश ग्लू भी मेरे, तो वाइट वाइट पर नहीं खत्म हो जाएगा, लैश ग्लू लगी तो उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल साथ साथ आधी आंख पे, आधी आंख पे लगा के बाकी हम उसी ब्रश के साथ स्मोक आउट इसको कर देंगे, तो पूरी आंख पे लग जाएगा। हम इसको इस ब्रश के साथ स्मोक आउट कर देते हैं। ये देखें जी स्मोक आउट हो गया है, पूरी आंख पे हमने करना है। आधे पे लगाया था और इसी ब्रश के साथ आधे पे करके उसी ब्रश को आगे ले आए हैं। इधर मैंने ज्यादा नहीं लगाया क्योंकि इधर मैं ज्यादा ब्लैक करने से ना मेरी आंख और छोटी लग जाती है। अगर छोटी आंख है तो आधा लगाना है, अगर बड़ी आंख है तो बेशक पूरे पे लाइनर लगा के उसको स्मोक आउट कर लें।
लैशेज जो आज यूज़ कर रही हूँ वो कर रही हूँ बिंगो यूज़, इसको भी हम इतना इतना काटेंगे और फिर अप्लाई करते हैं। लैशेज लगाने का तरीका आप लोगों को मैंने बता दिया था, इसलिए मैं फटाफट लैशेज लगा लेती हूँ। ठीक है, ये हमने इतना काट दिया, इतना रह गया इस साइड से भी। इसकी ये जो चून सी निकली होती है ना, काट देनी है, ये चिपकती नहीं है और फिर तंग करती रहती है। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है जी। उसके बाद हम लोगों ने मस्कारा लेना है, ये बस लॉन्च होने वाला है इंशाल्लाह ताला, और बिल्कुल लाइट लाइट सा लगाना है क्योंकि लैशेस लग जानी है और लैश क्यों लगी हुई है पहले से, तो मस्कारा लगेगा नहीं उसके ऊपर। ठीक है, ये हम लोगों ने अप्लाई कर दिया मस्कारा, अब इसको जरा सुखाते हैं। मुझे ला के दिखाओ। ये देखें जी, लैशेस लग गई हैं। ये देखें, अभी थोड़ी स्टिकिंग में मसला दे रही है। अच्छी बात है यार, आगे टाइम कम है। वाओ, यू लुक सो ब्यूटीफुल मानो। जी बेटे, बाबा कौन सी गाड़ी ले गई? हम वही वाला स्टेप ब्लैक और ब्राउन को थोड़ा सा लेके लैश बैंड को पूरा करेंगे ताकि लैशेस लगेंगे पूरी आंख पे लगी हुई है। ठीक है, और इधर से थोड़ा सा स्मोक आउट बाहर की तरफ कर देंगे। ये जो है लास्ट स्टेप वो है जी, ये पॉप कलर लेंगे बाउंटी से। ठीक है, ये फिंगर पे लिया और इधर लगाती हूँ, फिर बंद चलेगा। शीशे में देख के गलत ना हो जाए, सिर्फ दरमियान में लाइट सा। ये देखे इस क्रीज से ना, इस क्रीज से ग्लिटर को कभी भी ऊपर लेके नहीं जाते, ऊपर लेके जाएंगे तो आंख बहुत मैसी लगती है। हमने हमेशा इस क्रीज से नीचे रखना है। अब ये देखें जी, ग्लिटर लग गया है, पॉप ऑफ कलर, ये कितना अच्छा लग रहा है। अब अपने आंख के नीचे वो पॉइजन पर्पल कलर लेंगे छोटे ब्रश के ऊपर और आंख के नीचे से इसको स्मोक आउट कर देंगे। उसी स्मोक को हल्का सा अब ब्लेंड कर देंगे, थोड़ा सा बाहर निकाल देंगे। ये देखें, दैट्स इट, आई मेकअप कम्प्लीट। अब लैशेस को थोड़ा सा कर देंगे, मस्कारा लगा देंगे, कोई अगर चंक लैशेस के ऊपर गिर गया उसको ख़त्म कर देंगे, क्योंकि लैशेस के ऊपर चंक गिरा हुआ ना बहुत बुरा लगता है। वो आप लोगों ने खास ख्याल रखना है कि चंक ना गिरा हो लैशेस के ऊपर, अगर गिरा भी हुआ तो मस्कारा यूं लगा के ना उस चंक को ब्लैक कर दो, क्योंकि उतरता नहीं है, वो फिर चिपक जाता है। ये जी आई मेकअप हो गया है कम्प्लीट। अब हम कपड़े वगैरह पहन लेते हैं, नीचे से स्मोक आउट भी कर दिया है, अब मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। ये जी है ड्रेस, ये देखिए इसके साथ ठीक लग रहा है और हल्का सा पर्पल का पॉप आ गया, तो आंख थोड़ी सी खिली खिली लग रही है, डल डल नहीं कलर है क्योंकि एक ही कलर का ड्रेस है, तो इसलिए मैंने पर्पल का थोड़ा सा टच दे के पॉप ऑफ ग्लिटर कर दिया इसके साथ मैच। ठीक है जी, अब हम करेंगे फटाफट फाउंडेशन लगा लेते हैं, फास्ट फॉरवर्ड में लगा लूँगी। ठीक है ना, तो ऊपर वॉइस ओवर कर लूँगी वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब मैं ये वाला स्काई फॉल से वाइट लूंगी और आंख के नीचे ब्राइट करने के लिए, ना के इधर। ओए अब जी हम लगाएंगे लिपस्टिक, थोड़ा सा वाइट कर ले। ठीक है, ये है शेड रिच, बाबा
ये न्यूट सा ब्राउन कलर है, इसके ऊपर हम रेड लगा के हल्का सा इसको हम टैप करेंगे। मैट लिप्स जिसको हमेशा लिप्स पहले मॉइस्चराइज करेंगे फिर अप्लाई करेंगे। अगर फटे हुए लिप्स हैं तो पहले टूथब्रश का एक्सफोलिएट करें आप लोग, फिर लगाएं कोई भी मॉइस्चराइजर लिप्स का, वेजलिन लगा ले, लिप बाम लगा ले, उसके बाद कोई भी मैट लिपस्टिक अप्लाई करनी है आप लोग। मैट लिपस्टिक इस तरह अप्लाई नहीं करनी आप लोगों ने, अगर इसी तरह अप्लाई कर देंगे होंठ फटे फटे लगेंगे, ड्राई लगेंगे और वो लुक नहीं निकलेगी। और जो वेजलिन लगाई होगी उसको साफ करके 5 मिनट के बाद फिर अप्लाई करना है, वेजलिन के ऊपर भी अप्लाई नहीं करनी है। चलो ये है जी कलर डीप, ठीक है, रेडिश मैरून सा, इसको हमने बिल्कुल साफ करके दरमियान में बस हल्का सा लेके इधर ठीक है आंटी जी रखते हैं। अब हम दोबारा वही लेंगे शेड जो हमने पहले अप्लाई किया था और this is the final look. जी बाबा, आप कौन सी गाड़ी लेके आए? अब जी लास्ट स्टेप है हाइलाइटर अप्लाई करने का। ये बाउंटी में से ग्लो कलर लेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये अप्लाई हो गया, फंस गया। उसके बाद दूसरे पे बिल्कुल हल्का सा यहाँ पे ये वाला शेड है। आप लोग कोई भी आई पैलेट यूज कर सकते हैं, कोई लिपस्टिक यूज कर सकते हैं, मिस्टिक नहीं की होनी चाहिए आप लोग, बस जो भी मेकअप है आप लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने जी हेयर स्टाइल बनाना है, हम लोगों ने हल्के हल्के बाल स्ट्रेट कर लिए थे और सिंपल मैंने पोनी की हुई है, कोई इधर से ये देखे बाल सेट नहीं किए हुए, ये सारी सिर्फ सिंपल पोनी है। अब मैं क्या करूंगी, पोनी को उठा के यहाँ से ढीला करूंगी सारी, जिसका बड़ा मुंह है उसे यहाँ से जरूर ढीला करना है मेरी तरह। ये देखे इससे क्या होगा कि मुंह के अंदर ना थोड़ा सा छोटा बना जाए। हो गया, अब क्या करना है, एक एक जी, हाँ जी, हाँ जी, ऑलमोस्ट रेडी। यहाँ जी मुझे शदीद आवाज़ें पड़नी शुरू हो गई थी, लेकिन फिर मैं कैमरे के आगे से नहीं हटी, मैंने कहा 5 मिनट चलो कोई गल नहीं, तुम होर बोलना, वीडियो तो मैं बना के ही हटना वा। यहाँ मैंने दुपट्टे को करवाया हुआ था, क्या कहते होते हैं वो, क्रश करवाया हुआ था। अब मैंने पोनी टेल को ही कर्ल्स डाली, मेरा इरादा था कि मैं मेसी सा जूड़ा करूँ वो रोजेज़ वाला, लेकिन टाइम ही नहीं था। फिर मैंने ढीली सी पोनी करके इधर कर्ल्स डाल लिए और ये जी पहला कर्ल आ गया। और इसी तरह ही मैंने फिर फटाफट कर्ल्स डाल दिए। उम्मीद है जी आज की ट्यूटोरियल भी आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। वाइट ड्रेस के साथ जब मेकअप करें कोशिश करें कि पिंक्स और पर्पल को यूज़ करें, उसके साथ बहुत खिला खिला इंसान लगता है और ना प्रिंसेस से फील आती है, समझ सकते हैं ना। अगर फुल ब्राउन या फुल ब्लैक करें अच्छा लगता है वो भी, लेकिन मुझे ऐसा फील होता है कि उससे थोड़ी से ना डलनेस आ जाती होती है। फ्रेशनेस पिंक्स पर्पल्स को यूज़ करके उसके अंदर ब्लैक और ब्राउन यूज़ करने से आती है, अलग ब्राउन और ब्लैक यूज़ करेंगे थोड़ी सी डलनेस आ जाती है। चलें जी, अपनी दुआ पे याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, कुछ सीखा होगा तो लाजमी कमेंट करके बताइएगा। ये हेयर स्टाइल हुआ जी कंप्लीट, आगे मैंने 2 लटें निकाल ली, बालों को थोड़ा सा और लूज़ कर दिया जो इधर से ख़राब हुए हुए थे, उनको हाथ से सेट कर दिया क्योंकि दोबारा पोनी उतार के करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं था। ये देखें जी, ये है जी फाइनल लुक। या तो अगर आपकी लॉन्ग मैक्सी हो तो आप लोगों ने पोनी टेल कर लेनी है, या आप लोगों ने जूड़ा करना है।
ये है जी हमारी पिक्चर्स मेरी और अवैस की। बच्चा एक सोया हुआ था दायम अपने स्टोलर के अंदर और ईमान अपना खेल रही थी, वो स्टेज के ऊपर थी, वो हाथ ही नहीं आती। चले जी आप लोग ट्यूटोरियल देखें और अब बच्चे सो गए हैं, अब मेरे भी सोने का टाइम है। इससे पहले दायम उठे मैं फटाफट आँख लगा लूँ। अल्लाह हाफिज़ जी।